बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का जो मकसद है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि CNS टाइप 1 की जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे जो पहला ट्रीटमेंट है वो है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी बेसिकली ये होता है कि आप बच्चों को एक ख़ास ब्लू लाइट के अंदर रखते हैं जिसकी वजह से लिवर जो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो काम ब्लू लाइट जो है वो करती हैं, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करके जिसमें से बाहर निकालने में मदद करती हैं, तो इसे आप फोटोथेरेपी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आने वाले इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली लीवर ट्रांसप्लांट है कि अगर आपके लीवर से एंजाइम नहीं बन रहा या कम बन रहा है तो उस सिलसिले में आप लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जिसमें बेसिकली वो पूरा ऑर्गन रिप्लेस किया जाता है, या क्योंकि लीवर रीग्रो भी हो जाता है तो लीवर का एक पोर्शन निकाल के जो पेशेंट उसके पोर्शन के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है, तो जिससे वो एंजाइम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। लीवर ट्रांसप्लांट एक अलग से इसके इश्यूज इसके प्रॉब्लम्स हैं, और ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, इसके बारे में भी एक वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगा। तीसरा जो है एक जीन थेरेपी के नाम पे एक रिसर्च हो रही है दुनिया में, उसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल से बताऊंगा। जीन थेरेपी अभी पब्लिक नहीं हुई क्योंकि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। एक थेरेपी है जिसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि ना आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, ना आपको फोटोथेरेपी देनी पड़े, और एक बड़े सिंपल प्रोसेस से आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है क्रिकलर नरजा सिंड्रोम, बेसिकली एक डिफेक्टिव जीन्स है जिसकी वजह से लीवर वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उस डिफेक्टिव जीन को की कॉपी को एक जो बिल्कुल ठीक जीन है उसकी कॉपी से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जिस वजह से वो लोग ठीक हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट सूरत हाल 2023 मई में यह है कि इस पर एनिमल रिसर्च हुई और फिर करते करते ह्यूमन ट्रायल पर यह बात आ गई है, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें जो कुछ पेशेंट्स उस पर तजर्बात किए गए और उन लोगों में से रिकवरी देखने में आई है, तो लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। वी डोंट नो कि ये जो जीन थेरेपी की रिसर्च है ये कब तक पब्लिक हो, इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मेयर्स क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तीन तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, फोटोथेरेपी, लीवर ट्रांसप्लांट एंड जीन थेरेपी।